बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामले को लेकर बिहार सरकार ने 15 मई तक 12 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया है। मुजफ्फरपुर में कर्फ्यू के दौरान सड़क पर घूम रहे लोगों पर प्रशासन का डंडा चला। इस दौरान कई वाहनों को जब्त भी किया गया, कई लोगों से उठक बैठक भी कराई गई, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक शाम 4 बजे तक ही दुकानों को खोलने और शाम 6 बजे से 12 घंटे तक कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। हर का जो नया आदेश आया है उसके तहत शाम 4 बजे तक ही दुकानों को खुला रहना है। आवश्यक सेवा से संबंधित जो भी दुकान है वो खुले रहेंगे, बाकी सभी बंद रहेंगे। साथ ही शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक, सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा लॉकडाउन, और ये कर्फ्यू जो है लागू रहेगा पूर्णतः। इसको लेकर करके आम लोगों से अपील है कि आप घरों से बिल्कुल ही ना निकलें। इस दौरान यदि निकलते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई तो की ही जाएगी, साथ ही आपके शहर में संक्रमण की स्थिति जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है वो भी भयावह होते जाएगा। इसलिए आप घरों से ना निकलें, जो समय सीमा निर्धारित किया गया है राज्य सरकार के द्वारा उसका अनुपालन अवश्य करें। जी बिल्कुल, जो 6 बजे के बाद से बेवजह निकल रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, गाड़ियों को जब्त किया जाएगा, फाइन किया जाएगा।